ईमानदारी से या बेईमानी से मैं इलेक्शन जीतूंगा। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां कहते हैं चाहे जैसे, ईमानदारी से या बेईमानी से, सराफत से या छल कपट से, चाहे जैसे भी हो मैं किसी काम को करूंगा, यानी उस काम को करने के लिए मुझे जो करना होगा, अच्छा काम या बुरा काम, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे वह अपना टारगेट पूरा करने के लिए कुछ भी करेगी, या चाहे ईमानदारी से या बेईमानी से वह अपना टारगेट पूरा करेगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैं कहना चाहता हूँ मैं किसी काम को करूंगा, चाहे उस काम को करने के लिए किसी हद तक जाना पड़े, चाहे ईमानदारी से करना पड़े या बेईमानी से या धोखा से या सराफत से, बट मैं उस काम को करूंगा। तो आइए फ्रेंड देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप बाय फेयर मींस ऑफ फाउल का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे चाहे बेईमानी से या धोखा से मैं उसे शादी करूंगा, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई मैरी हर बाय फेयर मींस ऑफ फाउल, यानी चाहे छल से या कपट से या ईमानदारी से या सराफत से, चाहे जैसे भी, लेकिन मैं इस काम को करूंगा। चाहे जैसे भी हो वह इलेक्शन को जीतेगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही विल विन द इलेक्शन बाय फेयर मींस ऑफ फाउल, यानी चाहे जो हथकंडा अपनाना पड़े, बेईमानी करना पड़े या छल कपट धोखा धड़ी, सब चलेगा, किसी भी तरह वह इस इलेक्शन को जीतेगा। चाहे जैसे भी हो मैं अपना टारगेट को पूरा करूंगा, आई कम्प्लीट माई टारगेट बाई फेयर मीन्स ऑफ फाउल, यानी मुझे अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अच्छा रास्ता अपनाना पड़े या बुरा, जो भी हो मैं करूंगा अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। चाहे जैसे भी हो वह यहाँ आएगी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी विल कम हियर बाय फेयर मींस ऑफ फाउल। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप कहते हैं कि कोई आदमी किसी काम को करेगा, चाहे उसे किसी हद तक जाना पड़े, चाहे झूठ का सहारा लेना पड़े या सच का, चाहे धोखाधड़ी छल कपट बेईमानी से करना पड़े या फिर सराफत से, चाहे जो भी हो, बट वो आदमी इस काम को करेगा, हर हाल में करेगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे बाय फेयर मींस ऑफ फाउल। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।